नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु भगवान का अवतार बताने वाले भाजपा प्रवक्ताओं पर जमकर हमला बोला। शिवसेना ने अर्णब गोस्वामी चैट लीक केस में बीजेपी पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाया है। शिवसेना ने सामना में बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा है कि एक तो पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्या, यह देशांतर्गत राजनैतिक षड्यंत्र था। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इन 40 जवानों का खून बहाया गया, ऐसे आरोप उस समय भी लगे थे। अब अर्णब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट बाहर आई है वह उन आरोपों को बल देने वाली ही है। शिवसेना ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक गोपनीय बातें गोस्वामी ने सार्वजनिक कर दी, इस पर बीजेपी तांडव क्यों नहीं करती। चीन ने लद्दाख में घुसकर हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जा कर लिया, चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, इस पर तांडव क्यों नहीं होता। गोस्वामी को गोपनीय जानकारी देकर राष्ट्रीय सुरक्षा की धज्जियां उड़ाने वाले असल में कौन थे, जरा पता चलने दो। गोस्वामी द्वारा 40 जवानों की हत्या पर आनंद व्यक्त करना यह देश देव और धर्म का ही अपमान है। सामना में बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए लिखा है कि जो बीजेपी तांडव के विरोध में खड़ी है वही भारत माता का अपमान करने वाले उस अर्णब गोस्वामी के संबंध में मुंह में उंगली दबाकर चुप क्यों बैठी है। हिंदुस्तानी सैनिकों का व उनकी शहादत का अपमान जितना गोस्वामी ने किया है उतना अपमान पाकिस्तानियों ने भी नहीं किया होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी समेत सुशील कुमार शिंदे, सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आजाद ने भी बुधवार को पत्रकार परिषद में इस पूरे मामले की जांच कराने व सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। पूरे मामले को देशद्रोह ही बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को संसद सत्र में उठाने के संकेत भी दिए हैं। इस प्रकरण में जो सच्चाई है उसे सरकार को बाहर लाना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।